भगवान श्री राम में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति क्या भगवान श्री राम के नाम पर लोगों को धोखा दे सकता है? ये तो आपको, मुझको, सबको धोखा दे रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय, जो उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, और ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर है अयोध्या के और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनका नाम सबसे पहले लेना पड़ता है, क्योंकि ये विटनेस हैं उस बायनामे के और उस रजिस्ट्री के जिसके तहत एक जमीन का टुकड़ा खरीदा गया है राम मंदिर के प्रांगण के अंदर। इस जमीन का जो बायनामा है वो 18 मार्च 2021 को शाम के 7:05 पर किया गया और उससे किया गया 2 करोड़ रुपए पर। उसके 5 मिनट के बाद रजिस्ट्री भी हो गई और ये रजिस्ट्री हुई 18.5 करोड़ रुपए में, यानी कि 16.5 करोड़ का घोटाला। क्या इसमें जांच होनी चाहिए? निष्पक्षता से जांच कौन करेगा? मगर क्या करें, जिसका जो जी में आ रहा देश में कर रहा है। भगवान श्री राम के नाम पर इस प्रकार का घोटाला जो कर रहे हैं, क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए? जिन्होंने इन्हें भगवान श्री राम के नाम पर वोट दिया है मगर आज स्वयं राम भरोसे छोड़ दिए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हर वो व्यक्ति जिसकी चिता जलाई गई है या दबाई गई है या बहाई गई है गंगा में, जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम पे इन्हें वोट भी दिया था, उनकी खातिर आप इनसे सवाल करें। इसमें निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत बन रहा राम मंदिर और इतना बड़ा घोटाला और कोई कुछ नहीं कहने वाला, कैसे चलेगा देश? बंदर के हाथ में उस तरह दे दोगे तो चुपचाप बैठकर खेल देखते रहो।